भी कोई गरीब का बेटा किसी की हत्या कर दे उसको 2 दिन में सजा मिल जाएगी। जैसे बाहर में जैसे स्ट्रिक्ट कानून है वैसा स्ट्रिक्ट कानून अपने इंडिया में भी होना चाहिए। तुरंत फैसला होना चाहिए जब पूरे सबूत है। तो एमपी के सरकार से और इंडिया की सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्दी से सब कुछ क्लियर है, सब सबूत है, तो जल्दी से जल्दी न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इसे खींच क्यों रहे हैं कि वो उससे मिला हुआ है, उससे मिला हुआ है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो जो मेन मुद्दा है उस पर आप फैसला कीजिए, उसके बाद उसको जो भी कार्रवाई करना है वो करिए ना, ताकि लोगों को एक सीख मिले कि अपना भी कानून स्ट्रिक्ट हो गया है और ऐसी घटना घटने के लिए सोचने के लिए भी लोग कांप उठे कि नहीं अपना अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब लोग डरे इस चीज़ के लिए। जिसको हम चुन के लाते हैं वो थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो हो सकता है कि ये केस जल्द से जल्द हमें न्याय मिल जाए। गवाह तो शुरू से छपाए जा रहे हैं, पहले ब्लड सैंपल रिपोर्ट छपाई गई है, पहले वो सुना है डॉक्टर ने वो जो ब्लड उसका लिया था वो फेंक दिया, उसकी रिपोर्ट पुलिस वाला साथ में रहा होगा, वो आईजी साहब को नहीं बताया, कमिश्नर साहब को नहीं बताया कि वो ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदल गई है, मतलब उन्होंने ब्लड बदल दिया है, दूसरी का ब्लड लेकर रिपोर्ट बना रहे हैं। ये जो ये सब बातें अपने उच्च अधिकारियों को बताना थी, वो क्या सोचे थे छोटा मोटा केस है ऐसे दब जाएगा? फिर उसके बाद ड्राइवर को छिपा गया। अब मैं बता रहा हूँ कि वो उस बालक के साथ, वो लड़के के साथ, वो अकेला बैठ के बाहर में दारू नहीं पी रहा होगा, उसके साथ 3-4 लड़के और रहे होंगे, बाहर में भी रहे होंगे, गाड़ी में भी रहे होंगे, वो पूरे सीसीटीवी फुटेज में आ जाएंगे। वो 3 लड़के कहाँ हैं? वो पुलिस के लिए एक अहम गवाह हो सकते हैं। उनकी गवाही की वो चला रहा था कि नहीं चला रहा था ये कन्फर्म हो जाएगा, पिया हुआ था कि नहीं पिया हुआ था, पिया हुआ तो कितनी पिया हुआ था, कितनी स्पीड से चला रहा था, क्या उन्हें रोका कि भैया धीरे चला यार, कहीं बढ़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, किसी ने तो कुछ बोला होगा। तो वो 3 लड़के कहाँ हैं? 3 या 4 जितने भी उसके साथ थे वो कहाँ हैं? पुलिस को उनको खोजना चाहिए, पुलिस के लिए वो अहम गवाह बनेंगे। यानी उनकी गवाही कोर्ट में जो है ना मान्य होगी। अब वो ये नहीं बोल सकते कि हम तो दारू पिए हुए थे, हमको तो कुछ पता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो होश रहती है कहाँ क्या हो रहा है। अब उनने किस हिसाब से उसको बालक मान लिया, मेरे को लगता है 5-1 साल का बालक ऐसा कुछ कर देता तो हो सकता है उस 5 साल के बालक को निबंध लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती, समस्या होती, उसको समझने में समस्या होती, तो बात समझ में भी आती है। 18 साल के लड़के को, 18 साल 4 महीने बचे हैं, 18 साल हो गया, तो 18 साल के लड़के को निबंध लिखने को बोल रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता यदि ये सजा भी उसको दे देते ना तो उससे निबंध लिखते भी नहीं बनता। मैं बोलता हूँ निबंध लिखते भी नहीं बनता, क्योंकि उसका ध्यान पूरा दारू पीने में। ये कोई पहले दूसरे के बच्चे ने नहीं किया है ना कि कार चला ली और ठोक दी, उसमें आप उसको बोल सकते हो। 17 साल के अब लड़के नहीं आदमी होते 17 साल के, उनको सब समझ में आता है आज के, पहले नहीं आता होगा मेरे को नहीं पता, मगर आज के दौर में 17 साल का लड़का 35 साल की उम्र के हिसाब से अपना ब्रेन रखता है, उसको सब पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, और वो डिसीजंस भी वैसे ही ले सकता है। तो और ऐसा एक एग्जांपल सेट हो, पुलिस में भी ऐसे प्रावधान हो कि आप बिना लाइसेंस प्लेट और माइनर जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, आप हेलमेट तो पकड़ लेते हैं तुरंत में, मगर गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, VIP बैठा है तो आप तो देखते ही नहीं है नंबर। आज मैंने कितनी VIP गाड़ियाँ देखी बिना नंबर प्लेट की चलती हैं और सालों से चल रही हैं और उनको कुछ नहीं होता। तो ये एक नया कानून आना चाहिए कि आप VIP हो तो नंबर प्लेट लगाओ ना, आप नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाते और माइनर्स को कैसे दे रहे हो? आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म कैसे है? ब्लैक फिल्म की है आपके, आपको परमिशन तो करो, मगर आप माइनर्स को नहीं दे सकते ना अपनी गाड़ी। और सुपर कार्स को चलाने की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि ये गाड़ियाँ यहाँ नहीं दौड़ सकती, इतनी बिजी एरिया में नहीं दौड़ सकती।